मेरे भाई को घबरा ना डालो, इसको घबरा डाल गया ना तो ये फिर उड़ जाता है। जीजा जी उड़की कहाँ जाने आपने, पहले दूध पिलाई में 7 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी मैं। ओए ओ बाजी, 7 लाख का दूध उसने सारी जिंदगी में 30 रुपए का नहीं पिया। और दूध तो इसको हजम ही नहीं होता। एक दफा इसने दूध पिया, इसकी आंतों में फंस गया। टूथपिक के साथ ऐसे निकाला जैसे गुल्लक से पैसे निकाल। अरे बाबा, ऐसे बंदे को अगर टीके में भरकर भी दूध पिलाओ ना, एक सीसी भी ज्यादा पी ले तो बदस भी हो जाता है। ये तो पीपल के पत्ते का दूध पिए, इसका पेट भर जाता है। ले बेटे, तूने अपनी सारी जिंदगी में ना इस दूध का अगर 10वां हिस्सा भी पिया होता तो तुझे 6 मर्तबा है हेपेटाइटिस ना होता। पैसों की नहीं होती। हाँ? इस रस्म में शामिल मोहब्बत की होती है, ये एक शगन है। ओ बाजी, अब ये शगन भी 260 रुपए लीटर हो गया है। और जिसको बुलाना ना शगन ना सूरत। 260 रुपए लीटर शगन? हाँ। तो फिर ये क्वार्टर का 7 लाख क्यों मांग रही है? यस बात है। अब मेरी बात सुने, आप इसमें से शगन और मोहब्बत निकाल ले, दूध मुझे दे दे। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? सेरा गिर गया। मोहब्बत निकाल दे। पान सेरा ना लाना। क्यों? मैं डर है तो निकल के कोई शहर ना इनू लड़ जाए। एक मिनट भाईजान, तुम्हें तो शादी पे बुलाया ही नहीं। निकालो इसको। ओए मेरी बात सुनो है जी। ओए उसको नहीं निकाल सकते। क्यों? आज जिस पे हमने दुल्हन को वापस लेके जाना है वो गाड़ी इसकी है। तो फिर सेरा भी इसी को लगा दे। तो दूध का 7 लाख भी उसी से ले लो। देखो यार सेरा, लगता है चूहा सेवियां खा रहा है। दूध में फैट तो नहीं है? क्यों? ओ मैं एक्चुअली डाइट पे हूँ। यार थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। और मेरे भाई की तो जमपली पेरिस की है। हमारी लड़की कौन सा माड़े घर की है, इसकी जमपल भी धर्मपुरे की है। की है, देखे बड़ा फासला कम किया है। ना सासा तो है ना, ए धर्मपुरा थे है पेरिस। तो फिर कहो तो धर्मपुरे से पेरिस का रक्षा करा ले सालम। भाईजान जी बेटे, लेट मत करें, दुल्हन को लें और निकलने वाली बात करें। रास्ते में अगर डाकू पड़ गए तो? ओए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओए उन डाकुओं में से एक नेक डाकू भी हुआ ना, तुझे 100 पंजा दे के ही जाएगा। पहले भी इसको डाकू ने पकड़ा था। अच्छा। फिर इसके साथ बंदूक की नाली साफ करते रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो क्यों नहीं कोई बात नहीं, वो मेरे साथ नालियां साफ कर रहा है, हमारे लिए कोई बात नहीं। ओ बेटा ये बंदूक की नाली है, ये कोई मोहल्ले की नाली नहीं है। मैं कब का इंसान बन चुका होता, आप मुझे बनने नहीं दो। खबरदार किसी ने मेरे हयान तकीर भट्टी को कुछ और कहा तो। यान तकीर भट्टी? ऐसे बंदे के माँ बाप को नाम रखते हुए हयान नहीं है। तेरी जुबान ना जली। ये हयान तकीर भट्टी कौन है जनाब? मेरे शोहरे नामदार, और कौन? अजी हयान तकीर भट्टी, ओ भट्टी च पैणे आ। ओए एडा लम्मा नाम रख लिया तू, इहो जे बंदे दा नादरा ज्यादा ज्यादा ना हुंदा ई। भोला टुंडा या मत तो मत छीका बर्फ वाला। और जब भी बर्फ लेने जाओ एक ही बात बोलता है, खत्म हो गया है। ओए बर्फ वाला नहीं, इसको बर्फ वाला सुआ बोलो। भाई जान इन लोगों को मेरा नाम मत बताएं, इनको गूगल पे सर्च करने दें। वो हयान तोकीर भट्टी। ये क्या करे मामू? बाबा वो खुद ही बोल रहा है, उंगल पे सर्च करने दो। गूगल पर नहीं, गूगल पर, गूगल पर। चलो फिर दूध पिलाई की रस्म कर लो फटाफट। जल्दी करें, दूध गर्म हो रहा है। ओ बीबी, ओ दूध ठंडा होते सुना है, गर्म होते पहली बार सुन रहे हैं। ओ ये मेरे भाई के सेक से दूध गर्म हो रहा है। तो कोई बात नहीं बाबा, थोड़ा दूल्हा हल्का कर देता है। क्या कर रहे हो, तुम्हें दूल्हे और चूल्हे में फर्क नजर नहीं आता? नारंगी रंग का सूट पहनकर डीसेंट लोगों की शादी में आ गए। मुझे ये वाला दूध नहीं पीना। हा? मुझे अनारकली से रबड़ी वाला दूध मंगवा कर दें। आली जा, इसी में ही थोड़ा रबड़ डाल दे। मैं
कहती है कड़िकी च इन्नी कि रबड़ी ला दो छे चूहे मेरा मतलब है छे दूले मुझे 7 लाख चाहिए। हमारे पास नहीं है। क्या कर रहे हैं? दें पैसे जान छुड़ाएं। बेटा आप बैठ जाओ, ये हमारे घर का मामला है। हम 7 लाख दें ना दें आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। थैंक यू। असल में बेटा ये पाक रुपीस मांग रहे हैं, मेरे पास डॉलर है। सीधा डॉलर दे के आई हो? चुप करो, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। मैंने इसे 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और इसने इसकी एक्सेप्ट कर ली। इसने वो देश बुक वाले को अपना लिया और देश बुक वाले को छोड़ दिया। विदेश बुक, देश बुक, खेस बुक। खेस बुक कड़ा होता है? मैं कमाली है तो एक बुक कराया। बाबा चुप कर जाओ, तुम अपनी अपनी बुक बुक बंद करो। क्या हो गया तुम लोगों को? इधर रुखसती का बेटा है मैं और तुम अपना ही बुक बुक लगा कर बैठा। ओ मेरी रुखसती नहीं हो रही। क्या हो गया जमाने वालों को? इसने फेसबुक को अपना लिया और देश बुक को छोड़ दिया। मेरा देश, मेरी खुशबू, मेरी मिट्टी। तेरी लिखी है सरा सी, तेरी मिट्टी ये हथों पलीत होनी। चलो राशन ना पाओ, मिट्टी पाओ तो चलिए। मिट्टी सारे पाई जंदे, सलामी कोई नहीं पांदा। आप तो इधर देखें। जी नहीं करता। की नहीं करता? मुंडा काम नहीं करता। अरे बाबा ग्लास पीछे रखो, अगर दूल्हा बीच में गिर गया तो गोते खाता करेगा। और पहले भी एक दफा डिग गया सी, वो तो शुक्र है दोते मलाई सी फट के बाहर आ गया। मैं जीजे दूध पीना ही कि नहीं? चल नहीं। वो सारा पी गई। वो बाजी थोड़ा सा छाड़ दे, वो तेरा पला हो जाए। यार इतनी क्यूट रस्म का बेड़ा गरक करके रख दिया ऐसे आपको। इतनी बड़ी बारात का दूल्हे ने भी तो बेड़ा गरक कर दिया ना। हालांकि ये जो साली है ना, घर से पूरा कमंडल पी के आई है। और इस दूध के अंदर भी जो इसने शुगर डाली है ना, अपने हिसाब से डाली थी कि दूल्हे को नहीं देना, मैंने खुद पीना है। और इसने दिहाड़ी भी लगा लेनी थी और दूध भी ले जाना। और मुझे लगता है कि इसने जानबूझ के जीजा भी ऐसा ही ढूंढा है। हाँ। जो दूध ना पीता हो, कुछ खाता पीता ही ना हो। जीजे की जितनी सेहत है ना, वो जीजा नहीं लग रहा, उसका भतीजा लग रहा। सर वैसे ऐसी रस्में तभी मजा करती हैं और अच्छी लगती हैं जब उसमें पैसे का दिखावा ना हो। रस्म भी वही अच्छी लगती है जो बंदे की आदत में हो। अब उसने कभी दूध पिया ही नहीं बेचारे ने। ये जो वैसा तकरार है ना, यही ब्यूटी है इस रस्म की। सही बिल्कुल बात। No doubt. ब्यूटी तो है, लेकिन जब ये रस्म का टाइम आता ना तो घर वालों की जान निकली होती है। बेचारे ने पहले उधार चुके ब्याह के पैसे इकट्ठे किए होते, उतो दुध पिलाई दी नेड़े मांग लेंदे ने। सारे सोच रहे होंगे यार टाइम कढ़ो किसी तरह। दूल्हे के रिश्तेदारों का बस चले तो दूल्हे के बटवे को एल्फी से बंद कर दे। अच्छा ऐसे टाइम पे दूल्हे के दोस्त भी ना तो सिरे बनाने के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं। तेरे कान च काई नहीं था यार तू काम आया सोले। कितना तो दूल्हे के लिए छोड़ दो। ये लो। ए बाजी ये क्या बदतमीजी है, सारा दूध तो वो पी गई है। चुप करो बे, मेरी चन वर्गी भतीजी ते ग्रैंड वर्गा दूल्हा। चलो फिर ग्रैंड जी। ये कौन है ग्रैंड जी? ग्रैंड जी बात तो ठीक है यार, कौन सी अच्छी बात की है? वो लाखों रुपया लगा के रसम कर रहा है, वो बीच में मामा बना हुआ है, फिर ग्रैंड जी हो यार। बात को देख रहा हूं, वो बंदा तकरीब को खराब कर रहा है। तकरीब में और यार एक मिनट, तुम्हें ज्यादा पता है? नहीं नहीं अच्छी बात, नहीं अच्छी बात यार। शहजादा लगा यार, तो शहजादा इसमें पहुंचा क्या बात बोलते जाओ।